हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम शुभम दास और ये एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स का और एक वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अगर हम जो हमारा जो स्पेशल बेसिक कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा वेक्टर स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है, और जो अगर हम अपना स्पिन के लिए जो वेक्टर स्पेस है वो अगर हम साथ मिलकर एक वेक्टर स्पेस लेके, तो उसमें जो हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हो गए, जैसे हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, हो गया ऑर्थोनॉर्मलिटी, वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे कि व्हाट विल बी द स्पिनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटम सेट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड स्टेट स्पेस ऑफ ए स्पिन हाफ पार्टिकल, ठीक है। तो क्या कि तो स्पिन हाफ पार्टिकल के पास दो स्टेट स्पेस में दो पार्ट होंगे। एक होगा वो पार्ट जिसके लिए हमारे पास कुछ सारे क्लासिकल एनालॉग्स है जो हमारा सिंपली कैलकुलेशन के बाद आ जाता है, जो विच इज़ वी आर, और इसका टेंसर होगा तुम्हारे वी एस का जो स्पिन के लिए है, इंट्रिंसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, ठीक है। तो इसका भी एक चीज़ समझते हैं कि टेंसर प्रोडक्ट में या जो बेसिस होता है, ठीक है, सपोज हमारे पास वी आर के कुछ बेसिस होंगे, जैसे आर, उनको हम आर नाम देते हैं, और जो वी एस के पास बेसिस हैं कुछ होंगे जो हमें इसको एस नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका टेंसर प्रोडक्ट करने पर जो हमें बेसिस मिलेगा वो बेसिस बेसिकली होगा कि आर क्रॉस एस का इस फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए सारे बेसिस को हम जब उन बेसिस का टेंसर प्रोडक्ट लेंगे जो हमें स्टेट मिलेगा वो होगा हमारा बेसिस। तो और ये ऑब्वियस क्यों है, लाइक अगर आपको वेक्टर या लीनियर अलजेब्रा पता है, ठीक है, तो कोई भी एक वेक्टर स्पेस के लिए आप हमारे पास कुछ सेट ऑफ बेसिस होते हैं, ठीक है, ठीके? और से ये वी वन हो गया या वी टू हो गया या फिर या से या फिर हमें ये दिखाना था, तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ऐसे ये होना बी वन बी टू एंड बी थ्री। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो टेंस स्टेट है या जो बेसिस है ये बेसिकली यहाँ पे थ्री हो गया, थ्री हो गया तो थोड़े ऐसे नाइन होंगे, तो बेसिकली ई आई टेंसर ई जे सॉरी बी जे इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे आई इज एलिमेंट ऑफ वन कोमा आई कोमा जे, ए इज एलिमेंट ऑफ वन कोमा टू कोमा थ्री, सो ऐसे टोटल नाइन कॉम्बिनेशन होंगे, इसको हटा दो, ऐसे ई ऐसे अलग अलग नाइन कॉम्बिनेशन होंगे, तो उस सारे जो है बेसिस बनेंगे ऐसा। ओके, तो एक चीज़ समझते हैं कि जब टेंसर लेते हैं होता क्या है। तो टेंसर इस काइंड ऑफ की बोल सकते हैं कि इन दोनों स्टेज का हम जो सारे पॉइंट्स है V1 वेक्टर स्पेस में और V2 वेक्टर स्पेस में, उन दोनों का हम एक कार्टिशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, और जो कार्टिशियन प्रोडक्ट लेके जो हमारा नया स्टेट बन रहा है, स्पेस बन रहा है, वो हमारा जो है उन उस जो टेंसर जो नया स्टेट बेस वेक्टर स्टेट है जो वी आर क्रॉस वी एस से बनेगा, उसका बेसिस इस स्टेट को स्पैन करेगा, बस ये बोलना चाहता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये समझ लो कि अगर कोई तुम्हारे पास आर एक बेसिस है तुम्हारा वी आर बेसिस या हिल्बर्ट स्पेस में और एस कोई बेसिस है या वी एस बेस में, तो उन दोनों का टेंसर स्टेट टेंसर प्रोडक्ट लेने पर जो हमें स्टेट मिलेगा उसे हम वो जो है हमारा इन दोनों के बाय स्टेट या जो वेक्टर स्पेस है जिसको मैं एक काम करता हूँ वी नाम देता हूँ, वो उनका बेसिस हमारा कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ आर हमें सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ है कि अब इस चीज में क्या होगा, अगर हम एक एक्स ऑपरेटर जो हमारा आर वेक्टर जो हमारा आर सेट का है ये अगर हमारा सिग्मा पे ऐड करेगा तो हमें क्या देगा, ये एक्स आर सिग्मा देगा, ये कुछ इस फॉर्म में ऐड करेगा। इस पे अगर हम स्क्वायर ऑपरेटर ऐड कराएं आर कोमा सिग्मा में, तो ये हमें क्या देगा, 3/4 एच का स्क्वायर, बिकॉज एस हमारा हाफ है। पिछले वीडियो में क्या था या अगर नहीं पता तो देख लेना, ठीक है। और एस जेड अगर हम करेंगे तो ये आर कोमा सिग्मा होगा और इज इक्वल टू 3/4 सॉरी इज इक्वल टू एच कट बाई 2। और एक काम करता हूँ, ये सिग्मा के यहाँ पे सिग्मा लिखता हूँ, सिग्मा कैन बी आइदर इक्वल टू प्लस और -1, ठीक है, और आर कोमा सिग्मा। तो बेसिकली सिग्मा क्या हो सकता है, एक होता है तुम्हारा प्लस स्टेट हो सकता है या फिर माइनस स्टेट हो सकता है बेसिस में, तो प्लस स्टेट या माइनस स्टेट, तो बेस्ड ऑन दिस वो तुम्हें वो वैल्यू देगा एस जेड का, ठीक है।
अब इसमें इन केस में हम ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कैसे लिखेंगे, तो ये अगर दोनों बिल्कुल सिंपल वही उसी तरीके से होगा कि अगर ये दोनों, या अगर हमारे पास आर प्राइम और सिग्मा प्राइम है तो ये सिग्मा सिग्मा प्राइम अगर दोनों सेम होंगे तो वो वैल्यू 1 देगा, या और सिग्मा आर एस आर प्राइम, बस यही है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है पर इंटरेस्टिंग है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि आर जो है बेसिकली हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे ऊपर डिपेंड करता है, वो आर क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, वो क्वांटम स्टेट जो है एक काइंड ऑफ कंटिन्यूस क्वांटम स्टेट है, पर जो हमारा सिग्मा है वो डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट है, डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट है। तो इस केस में जो हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रे एक समेशन होगा जो सिग्मा के ऊपर होगा, एक इंटीग्रेशन होगा जो हमारे आर के ऊपर होगा। ठीक है, और आर और बाकी चीज़ बस वही सिंपल आर कोमा सिग्मा और ये इज इक्वल टू आई। ठीक है, नाउ इस साई को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू समेशन ऑफ डी क्यू। अगर इस साई को हम इस मतलब यूजिंग दिस हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते तो क्या होगा कि आर सिग्मा सिग्मा साई, तो ये होगा बेसिकली हमारा साई का रिप्रेजेंटेशन इन दिस फॉर्म। अगर बेसिकली तुम्हारे साई को हम ऑर्थो बीच में ये कंडीशन अगर हम मतलब साई को हम बेसिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ये क्या हुआ, ये जो टर्म है ये टर्म अगर साई को हटा दे तो ये सिंपली 1 है, ये वाला अगर थोड़ा दूर करके लिखेंगे तो ये बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू साई, बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ। ठीक तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो गया कि आर कॉमा सिग्मा, इफ हम अच्छे से अगर देखेंगे तो आर कॉमा सिग्मा जो है इंटू साई, ये एक कुछ ऐसा हो गया साई सिग्मा, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ये अगर हम कर लिया तो हमारे पास बेसिकली हो गया यूजल क्या होना चाहिए, सिर्फ साई ऑफ आर होना चाहिए, पर इंसान हमारे पास यहाँ पर सिग्मा है और सिग्मा एक डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, तो यानी कि हर हमारे साई के वैल्यू के पास अगर हम ये बात, मैं बेसिकली इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, सपोज हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई आर के साथ अगर यहाँ पे स्पिनलेस पार्टिकल है साई का, तो अगर इसका हम कोई आर के साथ लेते हैं तो सिर्फ आर का फंक्शन होगा। ठीक है, पर इंस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब ये कर रहे हैं तो इंस्टेंट ये साई सिग्मा आ रहा है तो और एक एक पार्टिकुलर आर पे, यानी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हर एक वैल्यू ऑफ आर में साई के पास दो वैल्यूज होंगे जिसको साई प्लस और साई माइनस करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर इससे हम क्या मिलता है कि सिग्मा की सिग्मा जो है वो हमारा क्या हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है, राइट, तो दो वैल्यूज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एनी पॉइंट आर वी नीड टू नंबर्स। ठीक है, जो एक काम जिसको हम एक बोलते हैं साई प्लस आर बोलते हैं और एक साई माइनस आर। ठीक है, या टू या रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन, तो यानी कि ये होगा कि पर और इस इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला तो इस फॉर्म में। ठीक है, मतलब तो हर एक एक वैल्यू ऑफ आर में किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर में हमारे पास इसके पास दो कंपोनेंट है, एक साई प्लस आर और एक साई माइनस आर। ठीक है, इसे ही कहते हैं, इसे कहते हैं एक्चुअली द टू कंपोनेंट स्पाइनर। नाउ एक चीज़ मैं ऐसे थोड़ा काइंड ऑफ स्पॉइलर देना चाहूँगा कि ये जो है टू कंपोनेंट टू क्रॉस वन मैट्रिक्स स्पाइनर जो है ये बिल्कुल नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का है, पर अगर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आया तो ये चीज़ बेसिकली डिटैक स्पाइनर बन जाएगा और ये 4x1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो रिप्रेजेंटेशन है प्योरली हमारा जो ये क्लास रिलेटिव नॉन रिलेटिविस्टिक रेजिम में है। ठीक है, नाउ अगर इस चीज को हम नॉर्मल अगर ऐसे नॉर्मल फॉर्म में लिख इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहे तो ये कैसे लिखेंगे, तो
ये कुछ ऐसे होगा डी आर इंटू साई प्लस आर इंटू आर कॉमा प्लस प्लस साई माइनस आर आर कॉमा माइनस इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि सिग्मा को हमने इंटर उससे तो बस इंटरचेंज कर दिया, सिग्मा को अंदर ला दिया। अब क्या है कि इस उसके बाद हमने उस चीज़ का एक या क्या कहते हैं सिंपली या इनर प्रोडक्ट ले लिया, तो हमें जो स्टेट मिलेगा कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो एक चीज़ और ऐसे भी ले सकते कि आर कॉमा सिग्मा में क्या कहता है, इसके दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, आर या कॉमा प्लस और एक होता है आर कॉमा माइनस। तो जैसे उसका थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूँ तो ये तो, और हमारे साई में साई बेसिकली क्या है कि अगर उसका जो वी एस स्टेट का पार्ट है इसमें फर्स्ट बेसिक वैल्यू ऑफ आर, उसके पास दो स्टेट हैं, एक है साई प्लस आर, ठीक है, जिसका तुम्हारे तुम्हारे पास एक प्लस स्टेट है और एक साई माइनस आर। तो क्या होगा कि इस माइनस का इसके साथ ही हमें वैल्यू मिलेगा, सिमिलरली इस प्लस का इसके साथ ही वैल्यू करेगा, बिकॉज प्लस और माइनस जो है ये जीरो है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्म इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, नाउ एक तो हम क्या करेंगे कि एक साई प्लस जो हम क्या करेंगे, ये सिंपल है, अभी क्या है साई प्लस को हम एक सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये साई ये हमारा होगा कैट वेक्टर, जैसे साई जो है जो ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, जो कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं साई वेक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं हम कैट वेक्टर। एंड सिमिलरली तो हमारे पास एक ब्रा भी होगा, वो क्या होगा, वो हमारा कुछ इस ये होगा हमारा साई प्लस आर साई माइनस आर इस फॉर्म में। तो और एक कंडीशन आ जाता है कि साई साई स्टार मॉड होल्स इसका होल स्क्वायर जो है शुड बी इक्वल टू ऑल्सो वन। ठीक है, और एक चीज़ आती है कि हम अगर कोई रैंडम स्केलर दे दे फाई को, ठीक है, सपोज रैंडम स्केलर फाई, ठीक है, जिसका ऐसे ही फाई इसके सिमिलरली ऐसा कुछ फाई और फाई माइनस है, ठीक है, तो उसका अगर हम साई के साथ अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे साई फाई के इस फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा, ये बेसिकली आया और साई माइनस को एक काम करता हूँ, मैं आर को ड्रॉप कर देता हूँ अभी के लिए, साई प्लस और साई माइनस फाई प्लस और फाई माइनस। ठीक है, तो और ये होगा सिंपली हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्केलर एक और एक यहाँ, तो ये स्केलर प्रोडक्ट करने से आएगा क्या, ठीक है, तो साई प्लस इंटू फाई प्लस साई माइनस इंटू फाई माइनस। ठीक है, ये हो गया। पर एक चीज़ और है कि अगर हम लाइक टोटल पूरे वेक्टर्स हम अगर वी में देखें, जो कि वी आर कॉमा वी एस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें और एक चीज़ टर्म आ जाएगा। तो अगर ये सिंपली है, अगर हम वी एस में देख रहे हैं, ये वाला ऐसे स्केलर पूरा डिफाइन होता है इन वी एस, अगर पर हम वी में देख रहे हैं तो क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हो जाएगा सिग्मा कॉमा डी आर साई आर सिग्मा इंटू आर सिग्मा कुमार फाइव। ये बेसिकली वही चीज़ है, बस हमें क्या करना है कि इंस्टेड हमें ये इस टर्म को उसके बाद हमें आर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस ये वो वही बात हुई। ठीक है, ये यहाँ पे साई प्लस और साई प्लस और साई माइनस ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा और इसमें प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद हमें उसको आर के साथ बस इंटीग्रेट करना है। ये बस ऐसा होगा कि समेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी आर जस्ट अ सेकंड, डी आर इज इक्वल टू साई प्लस फाई प्लस आर प्लस साई प्लस साई माइनस आर इंटू
फाइव माइनस आर और उसका इंटीग्रेशन होगा डी आर के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिकली रोटेशन ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे अगर हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है तो उस केस में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।